दोस्तों, इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र और मैं आज आपको बताऊंगा इंडिया के नंबर वन नेटवर्क एयरटेल की अनलिमिटेड डेटा की हकीकत। और वीडियो जो आप ये पूरा देखें जिससे आप समझ पाएं मेरे साथ जो समस्या हुई है वो शायद आपके साथ ना हो, तो उससे बचने के लिए वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और जियो को टक्कर देने के लिए इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया था 348 रुपीज़ का रिचार्ज, जिसमें 12 मंथ तक 9,000 रुपये के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। 3+1 GB यानी कि टोटल 4 GB आपको डेटा मिलेगा, 4G डेटा। ये इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। इसमें डायरेक्टली हमें बताया 348 का रिचार्ज हमें कराना होगा, लेकिन ये रिचार्ज एक बार ना करा के हर मंथ आपको कराना होगा। 13 बार आप रिचार्ज करा सकते हैं पूरे एक साल में, 1 दिसंबर 2017 तक जो कंटिन्यू रहेगा उस समय तक ये आप रिचार्ज करा सकते हैं टोटल। और ये जो रिचार्ज होगा 28 दिन के लिए वैलिड होगा, 28 दिन बाद में फिर से आपको रिचार्ज कराना होगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं ये कुछ भी फ्री नहीं है। 348 की रिचार्ज में 1 GB मिलता है, उसकी जगह 3 GB का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दे रहे हैं अगर आप न्यू मोबाइल खरीदते हैं उसके लिए। अगर आप टेलीकॉम के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तभी आप ये 4 GB जो डेटा आ रहा है वो ले सकेंगे, नहीं तो आपको 1 GB ही मिलकर रह जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको शर्तें बताता हूँ कि क्या क्या शर्तें एयरटेल ने रखी है जो पूरी करने पर ही आपको ये जो 12 मंथ तक मिलने वाला 4 GB डेटा है कंटिन्यूसली वो मिल पाएगा। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो मोबाइल आप परचेज करते हैं वो न्यू मोबाइल होना चाहिए जो 1 दिसंबर 2016 के बाद में परचेज किया हुआ हो। साथ ही आपको MNP करानी होगी एयरटेल में। एयरटेल में MNP कराने के बाद में ये ऑफर मिलेगा। MNP 3 जनवरी 2017 के बाद में हुई होनी चाहिए जिसमें ये प्लान आपको दिया जाएगा। एयरटेल डेटा को चालू करने के लिए यानी कि क्लेम करने के लिए जो एक्स्ट्रा 3 GB डेटा है उसको क्लेम करने के लिए एयरटेल माई ऐप है, उस पर आप जाकर आपको रजिस्टर करके और प्रोसेस फॉलो करना होगा। 3 GB पैक की जो वैलिडिटी होती है ओनली 28 दिन की होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरे साल तक आपको कुछ मिलेगा, ओनली 28 दिन कुछ मिलेगा, उसके बाद फिर आपको रिचार्ज कराना होगा जब आपको दोबारा से बेनिफिट मिलेगा। और जो 3 GB अलग से डेटा मिल रहा है वो आप कन्फर्म नहीं करें कि ये सारा करने के बाद में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप स्कीम के प्रोसेस देखें तो आप, मैं स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से क्या प्रोसेस करना होगा, और उसके बाद में भी कोई भरोसा नहीं है आपको मिल जाए या तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों से मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, मुझे नहीं मिला सारा प्रोसेस करने के बाद में, MNP कराने के बाद में, जिससे मुझे लगा कि मेरा जो लास्ट ऑपरेटर रिलायंस था वो ज़्यादा बेटर है इससे। जैसे ही MNP कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद में आपको अपना माई एयरटेल एप्लीकेशन ओपन करना है, और वहाँ पर जैसे कि दिखाया जा रहा है उस तरह से आपको जो क्लेम करने के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी कि 9,000 का जो बेनिफिट आपको ले सकते हैं। लेने के लिए सबसे पहले जैसे ही उस पर ओके करेंगे तो ओके करने के बाद में ऑटोमेटिक ही 348 रुपीज़ का रिचार्ज के लिए फिल हो जाता है वहाँ पर अमाउंट, और उसके बाद में आपको रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज करने के लिए जैसे कि मैंने बताया है आपको, वैसे सबसे पहले कार्ड इन्फॉर्मेशन मेंशन की, उसके बाद में काफ़ी डिटेल्स मेंशन करके मैंने रिचार्ज कर लिया है। रिचार्ज करने के बाद में भी जैसे कि फिर से मैंने रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। 1 GB में जो पहले से मिला था और 1 GB अभी इस रिचार्ज के माध्यम से मुझे मिला है 348 रुपीज़ में, 1 GB इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग फॉर द 28 डेज वो हमें मिल चुकी है। मैं इसके बाद में मैसेज भी चेक किया, उसमें भी नहीं है ऐसी कोई डिटेल्स, आप देख सकते हैं। और मैसेज में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हम करते हैं, फिर भी कोई डिटेल्स यहाँ नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। ओपन किया, वापस से वही एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, और वहाँ पर फिर से रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने पे कुछ नहीं, वही सेम डिटेल्स अपडेट रहती हैं, आप देख सकते हैं। तो सारे प्रोसीजर मैंने फॉलो किए हैं जैसे उन्होंने बताया है उसके अनुसार। वापस से क्लेम नाउ पे अगर ओके करते हैं तो फिर से 348 रुपीज़ का रिचार्ज करने के लिए इन्फॉर्मेशन आती है, ओके करके फिर से रिचार्ज आ जाएगा और फिर से रिचार्ज करने के लिए कहा जाता है। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, इसलिए मैं मेरी कार्ड डिटेल भी इस एप्लीकेशन से हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी एप्लीकेशन है और अच्छा ऑपरेटर है जो कस्टमर को अच्छे सर्विसेज दे सकता है। एयरटेल ऐप पर जो क्लेम नाम का जो प्रोसीजर है जो आपने भी स्क्रीन पे देखा, वो पूरा करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको बाकी का 3 GB डेटा मिल जाता है। अब आपने 348 का रिचार्ज कराया है, एयरटेल के बेनिफिट से आप प्रभावित होकर एयरटेल में आए हैं, तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि आपको जो 3 GB का बेनिफिट है वो आप लेना चाहेंगे। और जाहिर सी बात है अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है सवाल जवाब का प्रोसीजर। आपको हर इतने सवाल पूछे जाएंगे कि इन सवालों का जवाब देते देते आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे।
आप में कहीं ना कहीं कमी ढूंढी जाएगी कि कोई ना कोई कमी तो इन शर्तों में आपकी नहीं रह गई। जो शर्त 1 दिसंबर 2016 को मोबाइल खरीदने की थी, वो शर्त कन्वर्ट होता जाती है 1 जनवरी 2017 के बाद में मोबाइल खरीदने की। अगर आपने 1 जनवरी 2017 के बाद में मोबाइल खरीदा है तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। ये है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जवाब, जो इस पे हमें पूछे गए प्रश्न में उन्होंने पूछा था कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको मिलेगा। अब जैसा कि मैंने तो उसी के बाद में खरीदा था 2 जनवरी में, और यूज भी उसके बाद में किया था, तो इसलिए मुझे वो बेनिफिट मिला है, मिलना चाहिए, और मैं उसी के लिए एलिजिबल हो गया उनके अनुसार भी। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं है और इस प्लान को अगर आप इंटरनेट से पढ़कर, एयरटेल की साइट से पढ़कर या एयरटेल ऐप से पढ़कर अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा नहीं है। सवाल जवाब के प्रोसीजर के बीच में अगर आप कहीं भी चूक जाते हैं तो आगे उसके लिए आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। वो आपको यह कहकर मना कर देंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। आप सभी सवालों का सही जवाब देते हैं और कस्टमर केयर अधिकारी को उनकी गलती लगती है, आपकी गलती छोड़कर उनकी गलती लगती है, तो आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी। और लिखने के कुछ समय बाद में, जैसा कि मैंने मेरे साथ जो समस्या हुई 5 जनवरी 2017 को हुई थी, उसके दूसरे दिन मेरे को वहां से कॉल रिसीव हुआ है, कॉल बैक रिसीव हुआ है कि मैं इसके लिए कॉल कर रहा हूँ, आपको जो 3 GB फ्री डेटा वो नहीं मिला है, तो आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया था? दोबारा से कंफर्मेशन होगा, सारे नियम कायदे दोबारा से चेक किए जाएंगे कि आपने उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और चेक करने के बाद में फिर वो आपको कहेंगे कि आप हमें समय दीजिएगा, 24 घंटे में आपको हम दोबारा से कॉल बैक करते हैं, और आपको जो बेनिफिट नहीं मिलता है वो हम दोबारा से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरे 6 दिन बीत जाने के बाद में भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको भी मिलेगा। तो मेरे से रिक्वेस्ट होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कुछ जो वीडियोस के सिस्टम्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो आप देखें और आप समझें कि एयरटेल के द्वारा दिया गया जो फ्री बेनिफिट वो फ्री बेनिफिट नहीं है, एक तरह से लॉलीपॉप है। अब आप ये समझ सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में, कि एयरटेल और जियो की फ्री डेटागिरी और दादागिरी, किसकी दादागिरी है और किसकी डेटागिरी है, किसने आपको लॉलीपॉप दिया है और किसने बेनिफिट दिया है, कौन आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही चीजें दे रहा है, और कौन क्या दे रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि पिछले साल 2004 से पहले से जो एयरटेल है, एयरटेल आपको लूट ही रहा है। ऐसा कोई सबसे ज्यादा चार्ज करने वाला ऑपरेटर ओनली एयरटेल है, और कोई जो ऑपरेटर इतना चार्ज आपको नहीं कर रहा, फिर भी हर जगह हर समय आप जो जियो ने बेनिफिट्स दिए हैं उनके लिए बुराई करने से बात करें ट्राई की या फिर अदर डिपार्टमेंट की, वहां पर एयरटेल ने बिल्कुल चाहा है कि जो उसका प्रॉफिट है वो कम नहीं हो और अपना बेनिफिट ही वो कंटिन्यू रखें। जियो ने कुछ बेनिफिट्स दे दिए हैं तो उनको भी वो नहीं चाहता कि कोई कस्टमर यूज करे, बस एक लॉलीपॉप देके कैसे भी करके कस्टमर को बैला फुसला कर बिना बेनिफिट दिए हुए अपने पास MNP करवाना चाहता है। तो आप देख सकते हैं दादागिरी किसकी है और डेटागिरी किसकी है। तो मैं ये बिल्कुल ही, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना एयरटेल से दुश्मनी, ना जियो से दोस्ती, ना मैं कोई जियो का उनकी ओर से पैसे लेके प्रमोशन कर रहा हूँ, ना एयरटेल से मैं किसी प्रकार की दुश्मनी निकाल रहा हूँ। बस मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ में परेशानी हुई है, मुझे जो समस्या हुई है उसी समस्या को आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिससे आप भी इस समस्या से बच सके और एयरटेल की दादागिरी से बच सके। एयरटेल से जो फ्री का बेनिफिट देने के लिए बार बार बता रहे हैं, यूट्यूब ट्रेडिंग में भी वीडियोज आ रहे हैं कि एयरटेल ने जियो को टक्कर देने के लिए आपको दिया है 4 GB डेटा 12 मंथ तक आप यूज कर सकते हैं। उसकी सच्चाई आप बिल, मैंने जैसा कि बताया 348 रिचार्ज आपको कराना होगा, उसके बाद में ही आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। मैं लिस्ट यहाँ पे चला देता हूँ जो लिस्ट है कि अब कहाँ कहाँ कौन से सर्कल में कितने का रिचार्ज कराना होगा। 348, 349 के एक्सप्रो अप्रोक्स रिचार्ज होगा अलग अलग सर्कल्स में, जो आप कराने पे ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें भी बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि ऐसा कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरे साथ समस्या हुई है, आपके साथ में भी समस्या होगी, कन्फर्म है ये समस्या होगी, क्योंकि एयरटेल दादागिरी कर सकता है, डेटागिरी नहीं कर सकता, डेटागिरी जियो ही कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप नहीं चाहते हैं आपके किसी रिलेटिव या फिर आपके किसी रिश्तेदार या किसी जानकार या आपके दोस्त के साथ में ऐसी कोई परेशानी नहीं हो और एयरटेल की दादागिरी से आप बच सकें, MNP कराने के बाद में जो बेनिफिट देने के लिए उन्होंने आपको कंफर्म किया है कि बेनिफिट मिलेंगे वो नहीं मिले मिले ऐसी परेशानी हो, उससे बचने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे अब एयरटेल की दादागिरी से वो बच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें, और
इसी तरह के वीडियोस जो सच्चाई पर आधारित है, समस्याओं के समाधान पर आधारित है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी बहुत अलग अलग टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं इस चैनल पे लेकर आता रहूंगा। ये जो सारी परेशानी थी जरा ये ज्यादा नहीं हम मैं फेस कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने आपको ये बताई रियलिटी में, तो शायद आप इसे शेयर करेंगे और दूसरों को इस समस्या से बचाने की कोशिश करेंगे।